तो बेसिकली ये था हम लोग का जो डायमेंशन जो हमने इसमें आरजीएस में किया था। अब नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या है कि हम इसका मैप बनाएंगे, और उसके लिए जो ये सब खसरा के 00 खसरा नंबर जो दिख रहे हैं तो हम उसको इनपुट कर लेते हैं पहले। और अब सपोज जैसे 2 MXT खुला हुआ है हमारे पास, और इस मतलब जो डेटा हम सेव करते हैं आरजीएल तो पता नहीं कहाँ सेव से हो एक्सटेंड, गया, एक मिनट हम आउट बंद हो जाएगी तो। नहीं हाँ कुछ बोल चलेगी, रहे हो। हाँ लेट ठीक है तो ये 2 MXT है, जैसे इस वाले MXT में देखना कि ये जो जियो रेफरेंस खसरा है वो इसमें नहीं है और इस पे है। अगर हमें ये वाली खसरा डायरेक्ट उस पे लाना है तो हमें सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक सिलेक्ट करके और कॉपी और इस पे आकर लेयर में क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक पेस्ट लेयर, तो देखना है ये खुल जाएगी। अब मैंने इसको इसलिए लाया कि जो ये वाले इस वाले खसरा का नंबर नहीं थे इसमें इनपुट, हमें वो इनपुट करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसे स्टार्टिंग करूँगा, स्टार्टिंग इसे सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक एट्रीब्यूट। तो इसमें जो खसरा नंबर है उसमें इनपुट करना है 3548, 3548 सेम इस पे भी 3551, 3540 देन स्टॉप वेटिंग, हमें इसे क्लोज कर दे रहा। अगर अब इसके नीचे हम बेस मैप खोलेंगे तो डायरेक्ट गूगल की इमेज आ जाएगी और उसे इसके थ्रू भी हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं। अब बेस मैप कैसे ओपन किया जाता है, यहाँ पे एड डेटा में जो ये छोटा सा ये दिख रहा एरो बना हुआ उसमें क्लिक करना है, देन एड बेस मैप। इमेजरी इसमें लोड होने में टाइम लगता है, तो देखना ये इसके बैकग्राउंड में हमारा क्या खुल गया, बेस मैप इसमें बना हुआ। अब इसमें एक ध्यान देना कि ये जैसे ये वाली यहाँ पे नहीं दिख रही अच्छे से, तो ये सब हमें पहले टेस्ट कर लेना है कि जब हम ये एरो बनाएंगे उस टाइम ही कि ये सब इश्यूज ना हो, तो उसके लिए हमें पहले ही सेट करना है, एक बार ट्राई करके देख लेना है। जब आप लगातार करते जाओ तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि आपका जो आप मैप बना रहे हो वो कौन से पेज साइज में बना रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग साइज को भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लोगे, तो ये प्रैक्टिस पे ही होगा। अब इसका अगर मैप बनाना है तो व्यू में जाके लेआउट व्यू, और इसे राइट क्लिक जूम टू लेआउट। अगर हमें ज्यादा डिटेल एनालिसिस करना है ना, सपोज हमें इतना ही एरिया का या ये गूगल का इमेज जो है ये वाली वो कोऑर्डिनेट में चाहिए, मतलब अगर हम नॉर्मल गूगल अर्थ में जाके स्नैप लें तो वो कोऑर्डिनेट में नहीं होता, उसे कोऑर्डिनेट में डालना पड़ता है, तो उसके लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसे कहा जाता है ग्लोबल मैपर, उसको भी मैं एक बार बता दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको अगर इतना ही बेस्ट मैप अगर चाहिए तो हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
थोड़ा लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और छोटा सा एरिया के लिए बहुत अच्छा है, और उसका जो मतलब क्वालिटी जो होता है वो गूगल गूगल की इमेज से भी अच्छा होता है। तो आप लोग किसने ग्लोबल मैपर के बारे में जाना है, कभी मतलब यूज किया हो? ग्लोबल मैपर मैं कोई जैसे ये वाली जो अभी हैंग हो रही है ना बेस में बैठ करने पे, तो अगर हमारे पास ये ऑलरेडी हमें पता है कि हमें सिरोही का में ज्यादा काम करना है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ टाइम टाइम के बाद सिरोही का इमेज डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमें बेस में ऐड करने में टाइम जो लगता है वो सब नहीं लगता, जैसे अभी ये लोड होने में बहुत टाइम ले रहा, हो सकता है 5 मिनट ले ले, 10 मिनट ले। तो बेसिकली इस तरह से बेस्ट मैप ऑन करना है, और ग्लोबल मैपर के बारे में बता दूंगा कैसे डेटा जो है मतलब अगर इमेज चाहिए हम डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास और उसको यूज कर सकते हैं, वही मैं बता रहा हूँ। अभी तक ये मैप बनाना तो मैंने सिखाया था, तो मैं उसे रिपीट नहीं कर रहा। हमने एक मैप बनाया भी था सेकेंड क्लास में आई गेस, तो उसे मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब अभी तक जितना भी हुआ है क्लास में आज या उससे पहले कोई इशू, या आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया और रूम पे, तो हम आगे बढ़े। अब जैसे हमने अभी ये सेप फाइल को उसमें कन्वर्ट किया था ऑटोकैड की फाइल को, अब ऑटोकैड की फाइल को हम इसमें लेके आएंगे। आगे बढ़े सर आप? हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? अच्छा सर ठीक है, बता देना ना, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ा नेट का भी इशू हो, तो मुझे आवाज नहीं आए तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है? ओके तो ये था नॉर्मल सा इसमें और जीआईएस में डायमेंशन का। अब हम क्या करेंगे कि मैं क्या कर रहा कि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए जो हमने एक ऑटो कैड की जो फाइल यहीं से बनाई थी उसी को ऐड कर रहा। आप जरूरी नहीं कि उसी को ऐड करो, कोई भी ऑटो कैड की फाइल को आप डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हो, कोई भी ऑटो कैड की फाइल। तो मैं क्या कर रहा कि ऐड डेटा, मैंने यहीं से ऐड डेटा किया है, और जो मेरा लोकेशन है वो अभी वो डेस्कटॉप का कनेक्ट फोल्डर करना पड़ेगा, कनेक्ट फोल्डर के लिए ये वाली ऑप्शन थी कनेक्ट फोल्डर, डेस्कटॉप में है मेरा ये ऑटोकैड। और जैसे ये सिरोही फाइनल वाली जो है ये एक ऑटोकैड की फाइल है .dwg, इसे ऐड करते हैं। अच्छा अभी देखना इसमें क्या हुआ कि ये डायरेक्ट लोकेशन में खुल गई, ठीक है, क्योंकि इसे एक्सपोर्ट किया हुआ। मैं देख रहा हूँ मेरे पास अगर कोई दूसरा फाइल पड़ा हो जिसमें ऑटो कैड की फाइल हो, डायरेक्ट डिजिटाइज किया हो, मिल जाता है तो ठीक है, ना तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये वाली डेटा डेटा एरेंज से। चलिए ओके, एक है ये वाली फाइल पूरा भेज दूंगा आप लोगों को। ये अभी मैं क्या कर रहा है, सबको क्लोज कर रहा, और जो मैंने अभी फाइल भी कॉपी किया है ना उसे मैं ऐड कर रहा, बहुत ही डेस्कटॉप। इसमें देखना imagery.tiff मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा, जो मैं बता रहा था आपको ये डाउनलोड कैसे किया जा सकता है। ये जो है इमेज, ये एक जालौर डिस्ट्रिक्ट का है, इसमें देखना इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, इसको आप डायरेक्ट जितना चाह जूम कर सकते हो इसमें, और ये इससे भी अच्छी क्वालिटी हो सकती है अगर हमें और छोटा सा एरिया चाहिए ना, तो हम
इससे अच्छा हाई क्वालिटी का इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं बता दूंगा, मुझे अगर मैं भूल गया तो मुझे रिमाइंड जरूर करा दे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये कैड की फाइल है 2115, इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो देखना ये यहाँ पे नहीं खुली, ये कहीं और जाकर खुली। अगर मैं इसे जूम टू लेयर करूँ, मतलब ये पॉलीगन को जूम टू लेयर, देखना ये कहीं और जा रही है और ये इमेज जो है वो कहीं और है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कैट की फाइल जो हमने ऐड किया है वो उसमें कोऑर्डिनेट नहीं है। अब इस वाले केस में हम हमारा क्या था कि ये कोऑर्डिनेट में ही था, हमने डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट किया था। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पे सुपर इम्पोज करना हो या कैट का फाइल यहाँ लेके आना हो। तो उस केस में हमें ये टेक्निक जो ये बताने जा रहा हूँ उसका यूज़ करना पड़ता है। तो मैं बाकी सब को हटा दे रहा हूँ जो हमने ऐड किया था। अच्छा अब हमारे पास दो फाइल ही है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ MXT। अब देखना मैं इसे डायरेक्ट अगर सेव करूँ तो क्या होगा, ये जो हमने पहले काम किया था उसी में सेव होगा, और जो हमने रिमूव कर दिया अभी वो सब हट जाएंगे। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे, फाइल सेव एज, कैड इन जीआईएस। तो इसका मैं नाम इसका मैं फाइल, नाम भी डाल देता हूँ। इसका नाम हमने डाल दिया नाम कैड हो गया केयर नेम जी आई एस। जी मेरा आवाज इको हो रहा हूँ, बस। आप नहीं म्यूट कर लेना किसी का अगर अनम्यूट हो तो। अब देखना जब हम कैट का फाइल ऐड करते हैं ना, तो बहुत सारा लेयर एक साथ आते हैं, पॉइंट आते हैं, पॉलीलाइन आते हैं, मल्टी पैच आते हैं, मल्टी पैच आते हैं। तो उसमें क्या करना, DWG वाली जो है ये पॉलीगन वाली वही मेन होते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या काम करना है, हमें इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, मतलब इसे अगर मैं ऑन करके इसमें राइट क्लिक डेटा एक्सपोर्ट डेटा करूँ, और जो लोकेशन है हमारा अच्छा कैड इन जी आई एस, इसका मैं एक डेट कर देता हूँ। उसे 19 अप्रैल, एक फोल्डर है यहाँ पे 19 अप्रैल 24, इसके अंदर आके मैं इसका नाम रखता हूँ सिंह जालोर। अब हमारा इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। आउटलाइन विद कोई कलर लेके, मैं ये सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ, और फिर भी अगर समझ नहीं आया, थोड़ा भी डाउट लगे, नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता देना, मैं रिपीट करता हूँ। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो लेआउट है उसे हमें इस वाले इमेजरी के ऊपर लेके आना है, ठीक है। अब यही सेम काम हम कर रहे थे जियो रेफरेंसिंग में, कि एक रास्टर इमेज थी उसे हम किसी दूसरे रास्टर इमेज का यूज करके रेफरेंस लेके उसको जियो रेफरेंस कर रहे थे। पर ये जो है एक रास्टर इमेज नहीं है, ये एक वेक्टर डेटा है, तो इसमें जियो रेफरेंसिंग काम नहीं करते है। तो इस वाले केस में क्या करना है, हमें कस्टमाइज में जाना है और टूल बार, और नीचे आके इसमें हमें सिलेक्ट करना है स्पेशियल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका स्टार्ट एडिटिंग कर देना है।
और इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट यहां से ऊपर से लेकर नीचे ड्रैग। अब क्या करना है, मैं पॉइंट लेने हैं, जैसे हम जियो रेफरेंसिंग में लेते हैं लगभग उसी तरह, ठीक है। अब उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कुछ लोकेशन जो कि सही से बैठ जाए। अच्छा ठीक अब इस वाले रास्टर इमेज को एकदम सही से देखना हो, ठीक है, और इसे सही से देखना हो। कोई एरिया ऐसा समझ में आ रहा हो कि हाँ ये पॉइंट यहाँ पे होनी चाहिए थोड़ा भी, तो इसे वापस देखना हो, और उसके बाद इस वाले इमेज को फिर से देखना। कुछ समझ में आ रहा? हमें कुछ पॉइंट एग्जैक्ट लेने हैं, हमें वो आइडेंटिफाई करनी होंगी कौन से पॉइंट कहाँ पे होंगे। जूम टू लेयर, ये एक, हाँ बताना। साइड में रास्ता है ना सर, भैया बीच में खाली जगह है, उधर कर्व वाला रास्ता है रोड कौन से वाली, ये वाली सर। हाँ यहाँ पे कौन सी, यही एंडिंग में सर जो रोड है ये वो, नीचे वाली, हाँ ऊपर से नीचे आ रही है जो रोड सर। ठीक है। ये रास्ता तो ये वाली है, ये रास्ता तो ये वाली है। अब इसके बाद एग्जैक्ट हमें क्या करना है, पहले एग्जैक्ट कुछ पॉइंट लेना है। अब देखना ये रास्ता के बाद यहाँ पे एक ये बॉक्स सा दिख रहा, अब मैं इसमें आऊँ अगर तो ये सेम बॉक्स है लगभग, फिर से इसमें आना है हमें, ये देखो, ठीक। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं, ये एक बड़ा सा मैदान सा दिख रहा, और यहाँ पे आऊँ मैं तो ये मैदान है, ठीक है। तो ये मैदान वाला एक पॉइंट पहले लेते हैं। देखना यहाँ पे रोड है, रोड भी है वहां पे, तो हम क्या करते हैं रोड का कॉर्नर का पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, इमेज में आना है उसके बाद। और हमने क्या किया था, रोड का कॉर्नर का पार्ट लिया है, ये रोड जा रही है, ये क्या, जब ये इमेज कैप्चर हो रहा था ना तो उस टाइम ही एंगल की वजह से ये थोड़ा सा बिल्डिंग जो है इस तरफ मूव है, जिसका एग्जैक्ट पॉइंट यही है वैसे। दूसरा पॉइंट लेना है हमें, दूसरा पॉइंट लेना। दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना, एक तो ये यहाँ पे लग रहा है कुछ, ये हो सकता है एरर आ जाए, तो उसे जो है 2-3 बार अगर हम ट्राई कर लें तो उसके बाद लगभग बैठ जाएंगे। फिर जाओ लेआउट, और एक पॉइंट जो है ये वाली होगी, ये वाली हो गई। कोशिश करना डिस्टेंस में लें, पर फिलहाल क्या मैं कर रहा कि एटलीस्ट मैं चाह रहा ये वाली अगर इमेज के ऊपर आ जाए तो फिर हमें एग्जैक्ट पॉइंट से हम लेने में आसानी होगा, और जो पॉइंट हमारा गलत हो गया उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। ये पॉइंट एक ले रहा जो मेरा कन्फर्म है कि हाँ वो पॉइंट हो सकती है, पहले वो वाली ले यहाँ पे। अब इतना होने के बाद यहाँ पे क्लिक करना एडजस्ट, तो देखना ये लगभग सेट हो गई है। अब इसके बाद जब हम एग्जैक्ट 3-4 पॉइंट लेके इसको सेट कर सकते हैं। अच्छा ये वाली यहाँ पे लग रहा, ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगी, अच्छा
3 4 हम एग्जैक्ट पॉइंट इससे आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ये आ गया है लोकेशन पे। ये रोड है, यहाँ पे एक रोड ये है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए। हम फिर से एक बार एडजस्ट कर देते हैं, मतलब 3 पॉइंट के बाद हमारा एडजस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, सर वापस बताना, ये जो अभी किया है सर लास्ट में आपने, कौन सा? अच्छा अभी ये सर वाली, लास्ट, जब मतलब हम 3 पॉइंट अगर ले लेना, जी सर, मतलब मिनिमम 3 पॉइंट हो जाए, तो इसमें क्लिक करना और यहाँ पे आके एडजस्ट का जो ऑप्शन है वो शो होने लग जाएगा मिनिमम 3 पॉइंट्स के बाद। ठीक ठीक है। है, और इसके क्या बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे अभी ये जो सिलेक्ट है ना, अफाइन जी सिलेक्ट है, बेसिकली अफाइन या रबर शूटिंग ज्यादा यूज होता है। अफाइन मतलब क्या, आपके जो ड्राइंग है वो एग्जैक्ट कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। जैसे इस वाले केस में क्या, मेरा ये श्योरिटी था कि ये वाली इमेज जो है वो सही है और ये डिजिटाइजेशन जो है इसके अकॉर्डिंग ही हुआ है, तो हम उस केस में अफाइन यूज करते हैं, या फिर रबर शूटिंग ज्यादा काम आती है। रबर शूटिंग में क्या होता है, रबर शूटिंग से हम समझ लेना कि रबर की तरह जो है ड्रॉइंग को मतलब स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, जी सर, मतलब ऐसा है कि अगर इमेज बहुत ज्यादा पुराना है, या इमेज या फिर ये इमेज बोलने का मतलब ये जो ड्राइंग है बहुत पुराना है और सही से उसमें नहीं है और स्केल में नहीं है, तो उस वाले केस में हम रबर शूटिंग यूज करते हैं। या तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ड्राइंग यानी गलत डिजिटाइज है, पर हमें क्या करना है जबरदस्ती उसको वहां पे सेट करना है, तो उस वाले केस में हम रबर शूटिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ये बिल्डिंग देखना, ये लगभग सेट है। ठीक जी है, सर, इसको और कैड और अच्छा से कर सकते हैं, तो लगभग सेट है ये। अगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ से जा रही है और ये वाली एग्जैक्ट है, तो हम क्या करेंगे, रबर शूटिंग करेंगे, तो क्या करेगा, ये स्ट्रेच कर देगा पूरा ड्राइंग को, एक्यूरेसी उससे बहुत कम हो जाती है वैसे, पर ये हो जाती है। हम ये जी होने के बाद इसको स्टॉप एडिटिंग करना है ना, एडिटर स्टॉप एडिटिंग और इसे सेव कर दिया। अब क्या हुआ, ये एग्जैक्ट इस पे आ गई, पर इसमें देखना है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसको जारो लेआउट को ऐड के लिए प्रॉपर्टीज में जाएं, सोर्स, जी तो इस वाले केस में क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्शन जो है इसका ऑटोमेटिक ले लिया, तो इस वाले में इशू नहीं। पर कभी कभी अगर प्रोजेक्शन का इशू हो ना, उसे हम क्या डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, एक ड्राइंग फाइल भी कर रहे हैं, तो उस वाले में प्रोजेक्शन नहीं लेता है। पर इसमें प्रोजेक्शन इसलिए ले लिया कि इसका जो डेटा फ्रेम था ना, डेटा फ्रेम मतलब ये लेयर में देखना, जब भी हम कोई भी काम स्टार्ट करें ना, वहाँ हमें पता है कि हमें, हमारा काम एक तरीके के प्रोजेक्शन में ही होना है, तो ये लेयर में जाके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें देखना प्रोजेक्शन सेट है इसलिए ऑटोमेटिक ले लिया, तो इसमें प्रोजेक्शन सेट कर देना। बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर रहा कि राजस्थान के लिए 43N या 45N ही ज़्यादा यूज होती है, और जोधपुर के लिए 43N ही होती है। तो बेसिकली प्रोजेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सेम प्रोजेक्शन आप यूज़ कर रहे होते हैं। या तो कहीं पे भी नई जगह काम करो तो एक बार गूगल में सर्च ही कर लेना, व्हाट इज़ यूटीएम प्रोजेक्शन ऑफ मतलब डेस एरिया, तो मालूम चल जाए। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं जो कल बताने वाला था, एक बताने वाला टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था मैंने, तो मैं टोपोलॉजी का भी मैं करके बताऊंगा।
ये वाली क्या होगी, ऑटोकैड की फाइल इसमें आके सेट हो गई, ठीक है। अब चाहे तो इसमें मैप बना सकते हैं, या इसका ये प्लॉट है, ये प्लॉट नंबर और कुछ है तो वो इनपुट कर सकते हैं। जो भी काम करना है, एनालिसिस, एरिया निकालना है तो एरिया भी निकाला जा सकता है, सब सारे प्लॉट का, ये सारा काम ऑटोमेटिक। एरिया का वही सेम ही प्रोसेस है, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, एक फील्ड बनाना है हमें, और ज्योमेट्री ज्योमेट्री और स्क्वायर मीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, हेक्टर में चाहिए, सिलेक्ट करके ओके कर देना। उससे क्या होगा कि जितने ये पॉलीगन है यहाँ पे सबके एरिया आ जाएंगे, ठीक। इतना तक समझ में आ गया? आज जो भी कराया मैंने उसमें कोई भी डाउट है? नहीं सर, और इसका रिकॉर्डिंग तो हो रहा तो उसमें इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कल मैंने भेज दिया था वैसे रिकॉर्डिंग, तो कल ये सर अपन किस अभी सर, ओके हाँ मैंने सर से मेरी बात होगी, मैंने कल भेज दिया था वैसे, हाँ ठीक है सर से ले लेंगे सर से ले लूँगा, मैंने कल ओके मेल कर दिया, ओके ठीक है। और ये वाली फाइल मैं अभी भेज रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो अभी मतलब वहीं से हो रहा है इसको, कंप्यूटर से ही, तो वहां से मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। और जो मैंने अभी ये दो फाइल जो है ना, जालोर लेआउट वाली, ये ड्राइंग फाइल जो ऑटोकैड की फाइल थी और ये इमेज वाली फाइल थी, वो जी दोनों में सर मैं अभी मेल कर, मैं अभी कर रहा, अभी ले लेना उसे, ठीक ओके सर है। और नेक्स्ट क्लास कब करना है? मंडे मंडे को कर कर दें, ठीक है, मंडे वही सेम टाइम 6:15 करते हैं, ठीक दो ओके सर ओके सर थैंक है। ओके बाय बाय। यू सर। ओके। अच्छा।